दोस्तों, एचएसएससी की भर्ती का कोर्ट में जाना कोई नई बात नहीं है। ये एचएसएससी का इतिहास रहा है। लगभग भर्तियां कोर्ट के अंदर जाती ही रहती है। इसी कड़ी में एक और भर्ती को हाई कोर्ट द्वारा रोक दिया गया है। क्या मामला है समझिए। याचिकाकर्ता के आवेदन पर गौर न करने के कारण एचएसएससी द्वारा जारी परिणाम को दे दी गई है चुनौती। हरियाणा में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर महिला के पद पर जो आवेदन मांगे गए थे, उसके अंदर एक कैंडिडेट ने अपने सभी दस्तावेज अपलोड किए थे। इसके बावजूद उसके आवेदन पर गौर नहीं की गई। इसके खिलाफ उसने कोर्ट के अंदर केस दायर कर दिया। यह केस हिसार की नीतू रानी ने किया था और अब नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई है, यानी कि अब इनकी ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी गई है। वहीं जस्टिस हर नरेश सिंह गिल ने नियुक्ति पत्र दिए जाने पर रोक लगाए जाने के साथ ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सचिव 6 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई पर इस याचिका पर हलफनामा दायर कर जवाब दाखिल करेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट द्वारा जो सर्टिफिकेट अपलोड किए गए थे उनको इनवैलिड मानते हुए एचएसएससी ने ऐसा किया है। अब आगे इसका क्या निर्णय होगा ये तो समय ही बताएगा। लगातार अपडेट के लिए जुड़े रहिए जीके रफ्तार चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा।